He's the preeminent Jain monk. I'm related and honored and blessed to welcome Acharya Mahaprakriti. Aapko is program mein swagat hai. Aap jo Jain dharm ke pramukh hai. Can you tell us what is so special and unique? Jain dharm ki kya khasiyat hai jo aur dharmon mein nahi hai? Iski kya teachings hain aur ye insaan ko shanti aur happiness kaise de sakta hai? Kisi dharm ki khasiyat batana bahut kathin kaam hai. It is very difficult, bahut kathin hai. Jain dharm aur darshan, usko jo ek vardaan mila hai ki satya ko dekhne ka, विश्व को देखने का वह दृष्टिकोण है अनेकांत का दृष्टिकोण, और यह ऐसी दुर्लभ विशेषता है कि अन्यत्र प्राप्त नहीं है। हम किसी भी सत्य को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी विचार को एब्सोल्यूटली न झूठ असत्य माने और न उसको पूरा सत्य माने, सारा सापेक्ष, रिलेटिव ट्रुथ सापेक्ष है। इसलिए हमारी वाणी और हमारी शक्ति, जो इंद्रियों की शक्ति है, हमारे मस्तिष्क की शक्ति है, वह निरपेक्ष को ग्रहण नहीं कर सकती, परम सत्य को या एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान नहीं सकती। सब सारा रिलेटिव ट्रुथ हमारे सामने है। तो जैन धर्म ने, दर्शन ने इस सच्चाई को बहुत तीव्रता से प्रकट किया कि आप आग्रह न करें कि मैं मानता हूं वही सत्य या दूसरा मानता वह असत्य। यह आग्रह ही सांप्रदायिक विद्वेष और लड़ाई का कारण बनता है। सब में सौहार्द तभी रह सकता है कि मैं सोचता हूं, मेरी दृष्टि से मुझे सही लगता है, आप सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण सही आपको लगता है, हम दोनों में फिर एक समन्वय। अनेकांत का एक सूत्र है, सापेक्षता के बाद समन्वय, दूसरों में समन्वय के धागे को खोजो कि कैसे हम एक दूसरे में समन्वय कर सकते हैं और एकता हो सकती है। तो मानो यह जैन धर्म की जो एक विश्व को देखने की, सच्चाई को देखने की दृष्टि है, मुझे लगता है दुर्लभ विशेषता। ये गौतम बुद्ध एंड महावीर वर मोर और लेस कंटेम्पररीज। गौतम बुद्ध ने भी ये सिखाया है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, दैट इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ। आप बौद्ध धर्म में और जैनिज्म में क्या अंतर देखते हैं? भगवान बुद्ध का जो था वह है मध्यम मार्ग, महावीर का है अनेकांत दृष्टि का मार्ग, अनेकांत का। मध्यम मार्ग का यह है कि भी तीव्र बिंदु पर मत ले जाओ, हम बीच के रास्ते को खोजें। महावीर ने मध्यम मार्ग को कोई हमें आपत्ति नहीं, अस्वीकार नहीं किया, किंतु उससे आगे की बात यह है कि जब तक हम अनेकांत दृष्टि से विचार नहीं करेंगे तो मध्यम मार्ग का निर्णय भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें हमारी चेतना के संदर्भ में जो मानवीय चेतना का विकास है वह सापेक्ष दृष्टि से ही प्रयोग करना होगा, निरपेक्ष दृष्टि से हम नहीं सोच सकते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मेडिटेशन पे बहुत जोर देते हैं। आपने भी बहुत जोर दिया है कि मेंटल कंट्रोल थ्रू मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और जो आपने भी बताया और समझाया कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, वो एक तौर से जैन की सोशल फिलॉसफी भी है, और ये हुई एक पर्सनल फिलॉसफी, एक मेडिटेशन से करके माइंड को ट्रेन किया जाए। तो ये जो आप मेडिटेशन सिखाते हैं, तो इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं, बोथ टेक्निक के तौर से और रिजल्ट्स की तौर से? बौद्ध और जैन दोनों श्रवण परंपरा के संप्रदाय हैं, और दोनों का संबंध ही भगवान पार्श्व से जुड़ जाता है, तो एक ही परंपरा की है। हमारे यहाँ दो परंपराएं रही है, एक ब्राह्मण परंपरा, वैदिक परंपरा, दूसरी श्रवण परंपरा।
तो ये दोनों श्रवण परंपरा की हैं, इसलिए बहुत सारी बातें समान भी हैं और कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। और इसीलिए कुछ विद्वानों ने जो कम अध्ययन किया लिख भी दिया कि बौद्ध जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा है, इतना त्रुटिपूर्ण भी लिख दिया, ये समानता के कारण। ध्यान कम है तो दोनों में, बुद्ध ने भी बहुत महत्व दिया और महावीर ने भी दिया। हम जो अभी प्रयोग कर रही हैं वे एक महावीर की परंपरा का है। वैसे एक शब्द चलता है विपश्यना, विपश्यना का प्रयोग जैनों में भी है और बौद्धों में भी है। हमने उसके स्थान पर प्रेक्षा का प्रयोग किया। दोनों का अर्थ है कि यह शाब्दिक दृष्टि से विपश्यना परसेप्शन, प्रेक्षा का मतलब परसेप्शन, तो परसीव करना परसेप्शन करना, यह दोनों में चलता, देखने का प्रेक्षा है। हम जिस टेक्निक को अपना रहे हैं उसका मूल प्रयोजन है चेतना का रूपांतरण, हृदय परिवर्तन। प्राचीन शब्द है हृदय परिवर्तन, हमने उसके स्थान पर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हम कैसे ट्रांसफर कर सके और कैसे जो हमारा स्थूल मन है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसको हम अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड तक ले जा सके, उन अवधारणाओं को। क्योंकि जो परिवर्तन होता है वह इस कॉन्शियस माइंड से नहीं होता। और हमारा मुख्य लक्ष्य प्रेक्षा ध्यान का रहा भावात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंज, भावात्मक परिवर्तन। तो भावात्मक परिवर्तन करने की शक्ति स्थूल मन में कॉन्शियस माइंड में नहीं है, उसके लिए भीतर जाना होता है सब कॉन्शियस माइंड तक। क्योंकि मेमोरी, इमोशन, हैबिट्स, इन सब का स्टोर हाउस वह सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। तो ध्यान का लक्ष्य यह है, जैसे पुरानी भाषा में संस्कृत की भाषा में कहें तो स्थूलात सूक्ष्मम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये हमारी स्थूल चेतना, इसको सूक्ष्म चेतना से ले जाना या स्थूल पदार्थ से हटकर सूक्ष्म पदार्थ तक जाना, ये ध्यान का लक्ष्य है। और हमारा मूल रहा, हमने एक प्रेक्षा ध्यान का सूत्र बनाया है, व्याधि आधि उपाधि। इसको आप हमें थोड़ा और साधारण हिंदी में समझाइए। व्याधि, व्याधि शरीर की बीमारी, फिजिकल डिजीज, आधि मेंटल डिजीज, उपाधि इमोशनल डिजीज। तो तीन प्रकार की बीमारियां हैं। तो स्वास्थ्य भी हमारा तीन प्रकार का हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, वह भी तीन प्रकार का हो जाएगा। हमारा मुख्य लक्ष्य रहा इमोशनल हेल्थ, भावात्मक स्वास्थ्य। कारण है कि शरीर की बहुत सारी बीमारियां वे केवल जर्म वायरस के कारण नहीं होती, वे होती है भावात्मक बीमारियों के कारण। जितना भी नकारात्मक भाव, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है, उससे बड़ी बीमारियां पैदा होती है, जैसे कैंसर आदि बीमारियां हैं। ये कुछ शरीर की बीमारियां नहीं है, ये हमारी भावात्मक बीमारियां हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का मूल जो हमारा लक्ष्य है, वो गोल है, वह यह है कि भाव शुद्धि कैसे करें, भाव को सकारात्मक पॉजिटिव कैसे बनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे तो आदमी स्वस्थ रहेगा, अच्छा काम कर सकेगा। और हमारी स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज, हेल्दी पर्सन एंड हेल्दी सोसाइटी। अभी हम इसके बारे थे, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने अगर कुछ कर्म किए हैं तो जो कर्म हैं उनके हमारे कॉन्शियसनेस में इम्प्रिंट्स हो जाते हैं, तो जो हम सफरिंग एक्सपीरियंस करते हैं वो कर्म के वजह से होता है। तो अब ये मेडिटेशन से, ध्यान से, ये जो कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं जो हम कर्म लेके चलते हैं, वो न्यूट्रलाइज, वो चेंज हो सकते हैं, बदला जा सकता है। भगवान महावीर ने जिस कर्मवाद का प्रतिपादन किया उसमें एक विशेषता है कि जो किया वह भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं। यह सामान्य सिद्धांत चलता है
कि जो कर्म करेगा फल भोगना पड़ेगा। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में औरों ने बहुत लिखा है कि जो जस किया तो फल चखा, किंतु जैन दर्शन का जो कर्मवाद है उसमें कुछ अपवाद है। तो यह है सामान्य नियम, तो यह कि कर्म करेगा उसका फल भुगतना पड़ेगा। दूसरा नियम यह है कि हम कर्म को भी बदल सकते हैं, उसकी तीव्रता को मंद कर सकते हैं, उसका संक्रमण कर सकते हैं कि बुरा कर्म किया फिर ऐसा अच्छा पुरुषार्थ किया कि बुरे को भी हम अच्छे में बदल दें। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूपांतरण भी होता है, तो बदला जा सकता है। तो हम दोनों बात मानकर चलें कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, और अच्छा पुरुषार्थ करें तो कर्म के फल को हम, कर्म के मूल स्वभाव को भी हम बदल सकते हैं। आचार्य जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो जैन मंक्स हैं आप जैसे ये बांध के चलते हैं, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या मान्यता लेके आप ये पहनते हैं? आज के युग में तो मान्यता पूछने की जरूरत नहीं, आज तो आपको भी बांधना चाहिए पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, जी आज तो पूरा हम तो ये बांधते हैं पॉल्यूशन के, नाक और बांध कर चलते हैं। जी 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 जी, इसकी उपयोगिता यह रही कि ये पहले नहीं था, महावीर के समय में नहीं था, आज भी हमारी जो दिगंबर परंपरा है वे नहीं बांधते, आज हमारे जो मूर्ति पूजक संप्रदाय वे भी नहीं बांधते। स्थानिकवासी संप्रदाय के एक व्यक्ति आचार्य हुए हैं, उन्होंने यह परंपरा चालू की, तो परंपरा है। और इसकी उपयोगिता तो यह है कि सांख्य दर्शन में और भी जब शास्त्र का पाठ करते तो मुंह पर जिसे कि थूक न उछले और अशिष्टता न हो, तो हम इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि चलो अच्छा है, पर्यूषण से भी बचाओ, ये थूक उछलने की समस्या से भी बचाओ, तो अच्छा है। जी जी, आप जब महावीर को भगवान मानते हैं तो जैसे अक्सर कहा जाता है कि बुद्ध जो थे वो किसी भी साधारण आदमी की तरह थे, इंसान की तरह थे, उन्होंने साधना की तो उनको कुछ ज्ञान आया, इंसाइट आई, तो वो उन्होंने लोगों को सिखाया, तो आप महावीर को किस तौर से, किस रूप में भगवान मानते? जिस रूप में बुद्ध को मानते हैं उसी रूप में महावीर को मानते हैं। महावीर तो अकेले घूमते रहे 12 वर्षों तक, तो भगवान का देखिए अर्थ बदल गया। भगवान का अर्थ होता है ज्ञानवान, बस इतना ही अर्थ है। भक्त शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐश्वर्यशाली भी भगवान होता है जिसे भाग्यवान कहते हैं, और ज्ञानी भी होता है। तो भगवान का अर्थ है परम ज्ञानी, महावीर भी परम ज्ञानी, हम भगवान बुद्ध को भी भगवान कहते हैं। तो भगवान का मतलब वह ईश्वर नहीं है जो कर सृष्टि का करने वाला, उस अर्थ में भगवान नहीं है, वह ईश्वर अलग होता है। तो हम तो ईश्वर को उस रूप में स्वीकार भी नहीं करते, क्योंकि सृष्टिकर्ता कोई हम ऐसा नहीं मानते। और मैंने तो इसमें लिखा है कि अगर हम सृष्टि ईश्वर को सृष्टिकर्ता माने और आज की दुनिया की हालत को देखें तो कम से कम मानने को मन ही नहीं करता कि कोई बहुत बुद्धिमान सृष्टि करने वाला है। आप काफ़ी छोटी उम्र में आपने आप जैन मुनि बन गए, संन्यास ले लिया आपने, कभी आपको ऐसा लगा कि इतने छोटी उम्र में बच्चों को ले लेते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, कि कभी बच्चे को मौका नहीं मिलता कि वो समझे कि वो क्यों इतने कम उम्र में जा रहा है? कभी आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी दूसरा रूप लेती अगर आपको इसमें नहीं इंडक्ट किया जाता? प्रतिबद्धता नहीं है हमारे यहाँ, प्रतिबद्धता नहीं है। अगर किसी को लगे तो वह स्वतंत्र हो सकता है, पृथक हो सकता है, पर मुझे तो कभी लगा नहीं। तो हमारा कारण अवस्था के साथ नहीं, हम मानते हैं कि यह एक संस्कार होता है, पूर्व जन्म का संस्कार होता है। वह संस्कार जब जागृत होता है तो मुनि बनने की बात सोचते हैं, तो संस्कार ही नहीं है तो नहीं होगा। अगर कोई बना और फिर उसका संस्कार कमजोर हो गया तो बहुत सारे अलग भी हो जाते हैं, बंधन नहीं है, अलग जा सकते हैं, गृहवास में फिर जा सकते हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है, समस्या नहीं है हमारे साथ। देखिए, जो विज्ञान है और धर्म है
कुछ लोग तो उसको बड़ा सिंपलिस्टिकली कहते हैं कि वो अगर आप हमारे शास्त्रों में चले जाएं, वेदा में चले जाएं, वो दोनों एक ही चीज़ सिखाते हैं और बताते हैं। दूसरा ये होता है कि इनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो मेल जोल नहीं हो सकता। जैन धर्म का इसमें क्या व्यू है, किस तरह से देखते हैं कि जो पुराने कुछ ख्यालात हैं, बिलीफ्स हैं, जो अगर विज्ञान उसको डिसप्रूव कर दे तो आप क्या मानेंगे? जैसे आजकल अमेरिका में बड़ी डिबेट हो रही है बिटवीन द कि वो डार्विन की क्या थ्योरी थी और वो क्रिएशनिस्ट थ्योरी क्या है। तो जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इसको आप किस तौर से रिजॉल्व करते हैं? आचार्य तुलसी ने जो काम किया, बहुत सारे हमारे यहाँ भारत में भी धर्म गुरु मानते हैं कि विज्ञान ने धर्म को नष्ट कर दिया। आचार्य तुलसी का मत भिन्न था कि विज्ञान ने धर्म को सच्चाई में प्रकट किया है, बहुत सारी सच्चाइयों को विज्ञान के संदर्भ में समझने का मौका मिला है। अब देखिए हमारी कठिनाई क्या है कि हम शास्त्रों के आधार पर चलते हैं, तथ्यों को इग्नोर कर देते हैं। जहाँ तथ्य को इग्नोर करते हैं वहाँ सच्चाई भी खंडित होती है। तो जैन दर्शन ने दो प्रकार के सत्य बताए, एक शाश्वत सत्य जो परिवर्तनीय नहीं, जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वह कभी बदला नहीं जा सकता। दूसरा होता है सामयिक सत्य जो केवल वर्तमान का सत्य। अब शास्त्रों में जो बात है वे दोनों प्रकार की बातें हैं, कुछ शाश्वत सत्य है उसके साथ सामयिक सत्यों की बातें बहुत ज़्यादा है, उनको हम मानकर शाश्वत मान लेते हैं। हमारी यहाँ कठिनाई हो रही है, देयर इज प्रॉब्लम कि हम है तो सामयिक सत्य, उनको मान लेते हैं शाश्वत सत्य। यही आज धर्म के सामने समस्या है, हम इस समस्या से मुक्त हैं। हम दोनों को अलग अलग मानते हैं कि कंसेप्चुअल ट्रुथ क्या है और रियलिटी क्या है, परसेप्चुअल ट्रुथ क्या है, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो जैन हो, बुद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, हर व्यक्ति क्या चाहता है? हैप्पीनेस चाहता है, खुशी चाहता है और कि उसको सफरिंग ना हो। तो आप उनको क्या क्या सलाह देंगे? आप कहते हैं कि आप आपकी जो टीचिंग्स हैं उसमें कहते हैं कि आप अपने आप को सेंसेस को रिस्ट्रेन करिए, आप माइंड को रिस्ट्रेन करिए। पर अक्सर हम जैसे साधारण व्यक्ति के साथ ये होता है कि हम जानते हैं कि हमें सेंसेस को रिस्ट्रेन करना चाहिए और डिज़ायर को रिस्ट्रेन करना चाहिए, पर वो होता नहीं है। वो जो विल पावर होती है वो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। दिमाग से तो पता है कि करना चाहिए पर वो होता नहीं है। तो आप हम जैसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे? दो प्रकार की समस्याएं हैं, एक हमारी काल्पनिक समस्याएं जिनके साथ इमेजिनेशन जुड़ा हुआ है, एक हमारी यथार्थ की समस्याएं जो रियली प्रॉब्लम है। रोटी की समस्या है, यह काल्पनिक समस्या है। ऐसी जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो भी प्रायोरिटीज हैं, वे काल्पनिक नहीं है, वे हमारी यथार्थ की समस्याएं, वास्तविक समस्याएं। और कुछ समस्याएं हम कल्पना से कर लेते हैं कि उसको पद मिल गया, मुझे मिलना चाहिए, मैं यहाँ रह गया, आदि आदि जो बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समस्याएं चलती हैं, वे हमारी काल्पनिक समस्याएं हैं। तो अब जो यथार्थ की समस्या है उनको तो ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, वह तो रोटी मिलेगी तब समस्या सुलझेगी, ध्यान से नहीं होगा। हमारा तो बहुत स्पष्ट है कि अगर यह कोई माने कि धर्म के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। सीमा है धर्म की भी, हर बात एक लिमिटेशन, हम लिमिटेशन को मान, हर बात की लिमिट होती है, असीम कोई नहीं है, लिमिटलेस नहीं है कोई भी। समस्याएं हैं तो अलग अलग है, तो वास्तविक समस्याएं उनका समाधान तो व्यापार, कृषि, उद्योग, इनसे होगा। अब जो काल्पनिक समस्याएं हैं
उनका कारण बनता है हमारा इमोशन, ये सारी इमोशनल प्रॉब्लम, और हम इमोशनल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए प्रयोग कराते हैं ध्यान का प्रयोग भी, कि जिससे ध्यान के द्वारा हमारा इमोशन पर कंट्रोल हो सके। बस यह सबसे बड़ा एक प्रयोग इसमें, है इसमें पूजा पर। इसमें पूजा और प्रेयर का और रिचुअल का क्या रोल है? उसका अपना स्थान है, कुछ हो सकता है पर परफेक्ट नहीं है। पूरी बात तो तब होगी कि जब चेतना बदलेगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब पूरी बात होगी। उसके लिए वे एक दो कदम सहायक हो सकते हैं, किंतु पूर्ण सहायता तो हम जब कंसंट्रेशन कर सकें, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड या थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, उस स्थिति में जाएंगे, उस स्थिति में हमारे जो इनर पावर वह जागृत होगा, तब वह स्थिति बनेगी, उसके बिना संभव। आपको करोड़ों लोग आचार्य मानते हैं, भगवान समेत मानते हैं, गांधी जी समेत मानते हैं, आपको कभी अपने में, आप इतने महान मनुष्य व्यक्ति हैं, तो आपकी अपनी जो जर्नी है अपने लिए, उसमें कुछ बचा है? आप तो एनलाइटन हो गए लगता है तो आप अपने अपने जो जो ख्वाहिश है, क्वेस्ट है, वो आपकी क्या उसमें क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, क्वेस्ट ऐसा है कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जीवन में क्रोध करने का मौका भी याद नहीं कभी किया, अहंकार का भी अवसर यद्यपि बहुत लोग मानते हैं, पर मुझे पता नहीं कि मैंने कभी अहंकार किया, न कोई लोभ रहा। ये सारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, इनसे बचता रहा, हो सकता है इसीलिए लोग मानते हैं। जो लोग इनमें फंस जाते हैं, नहीं होता। दूसरी बात, हमें परंपरा ही ऐसी मिली है कि हमारे पास एक तो पैसा नहीं और एक इंच भूमि नहीं, इन सब समस्याओं से मुक्त है, इसलिए हर किसी का एक सहज ही वो होता है। इसी आगे आचार्य तुलसी ने हमें जो दृष्टिकोण दिया और हमें जो परंपरा मिली, उसमें यह है कि हम सांप्रदायिक झंझटों में कभी नहीं जाते। हम मानते भी अपना, मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ, हर व्यक्ति को अपने विचार पर चलने और मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम कैसे पर यह मान ले कि मैं सोचता हूँ वही ठीक है, सामने वाला भी ठीक सोच सकता है। हमने इस भाषा में कहा, यह मत मानो कि आकाश मेरे घर में, आकाश तो दूसरे के घर में भी है। तो इन समस्याओं से मुक्त है, इसीलिए साहित्य एक व्यापक रूप बन रहा है, लोगों का मिल रहा है। अलग अलग धर्म में अलग अलग ख्यालात होते हैं। कुछ ये बिलीव करते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म में कि री इंकारनेट होके एक बोधिसत्वा बन के फिर से लोगों की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई हेवन या हेल है, तो कुछ मृत्यु से डरते हैं, कुछ उसको एम्ब्रेस करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? हम वर्तमान पर अधिक विश्वास करते हैं, अतीत को भी मानते हैं, हमारा पास्ट भी रहा है, हमारा फ्यूचर भी है, किंतु विश्वास वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में है, वर्तमान में विश्वास कि आज हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर हमारा आज अच्छा जीवन है तो आगे भी अच्छा होगा, आज अच्छा नहीं है तो केवल आगे की बात, आज हमारे पैर के नीचे अंधेरा है तो आगे प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा सबसे अधिक इस बात पर बल है कि व्यक्ति को सब जानते हुए भी, जानकर भी, वर्तमान जीवन कितना अच्छा रहे, बस चलना उसी पर। आचार्य जी, बहुत बहुत